position. नमस्कार दोस्तों, एपीएस हमारे क्लास में आपका स्वागत है। मैं मनु राजपूत, कक्षा 12 की ज्योग्राफी लेसन फर्स्ट, जिसका पाठ नाम है मानव भूगोल प्रकृति का विषय क्षेत्र। इससे हम देखते हैं कि मानव भूगोल का जो अर्थ है और क्या इसकी परिभाषा होती है। सबसे पहले हम जो मानव भूगोल है भूगोल के बारे में समझना चाहेंगे। तो देखा जाता है कि भूगोल है, भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं मानी जाती हैं और दो प्रमुख शाखाओं में मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। ठीक, क्लियर। तो भौतिक भूगोल में कहा जाता है कि भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि पृथ्वी की उत्पत्ति, महासागरों के निर्माण। साथ ही साथ हम इसमें अपने चांद, तारे, सूर्य आदि के बारे में पढ़ेंगे। जबकि मानव भूगोल अंतर्गत मानव के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों का ही अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ ऐसे कह सकते हैं कि मानव किस वर्ग में निवास करता है, किस प्रादेश में रहना पसंद करता है, उसके सांस्कृतिक वातावरण कैसे हैं, तो इसका सारा जो अध्ययन कहता है वह मानव भूगोल है। साथ ही साथ ऐसे भी कर देख सकते हैं कि जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल के अंतर्गत भौतिक जो पर्यावरण के साथ ही साथ भौतिक पर्यावरण व मानव समूह, प्रादेशिक संगठन, वातावरण आदि का जो सम्मिलित रूप जो अध्ययन करते हैं वह मानव भूगोल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो आज पढ़ेंगे मानव भूगोल का अर्थ हुआ परिभाषा। अर्थ तो यही हुआ कि अर्थ होता है कि ऐसा भूगोल जिसके द्वारा या जिसके अंतर्गत भौतिक पर्यावरण व मानवीय क्रियाकलाप इन दोनों का साथ साथ जो अध्ययन करते हैं वही भूगोल है, तो यही इसका अर्थ होता है। या मानव के क्रियाकलापों में उसका वातावरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रादेशिक समूह, संगठन, आवाज, चित्र सारे अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं, ये तो इसका अर्थ था। साथ ही साथ कहते हैं कि मानव भूगोल का जो प्रादुर्भाव है, जो मानव भूगोल का जो प्रादुर्भाव है, मानव भूगोल का प्रादुर्भाव, जो प्रादुर्भाव मानव भूगोल का 18वीं सदी में हुआ, मानव भूगोल का जो प्रादुर्भाव है वह 18वीं सदी में हुआ। और 18वीं सदी के बाद जैसे जैसे भूगोलवेत्ताओं ने इसके बारे में खोज करना स्टार्ट किया, इसका विकास होता चला गया और मानव भूगोल का जो जन्म होता है, मानव भूगोल का जन्म मानव भूगोल का जो जनक है वह मनाया जाता है फ्रेडरिक रेटजे को। इसको मनाया जाता है फ्रेडरिक रेटजे। फ्रेडरिक रेटजे को मानव भूगोल का जनक माना जाता है। ये नियतिवाद से थे और मानव भूगोल का जो जनक फ्रेडरिक रेटजे है इसने अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो मानव भूगोल के अनुसार जो फ्रेडरिक रेटजे की जो परिभाषा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्राय प्रश्न दो परिभाषाएं मुख्य तक पूछी जाती है, या तो ऐसा होता है कि फ्रेडरिक रेटजे की जो परिभाषा होती है उसको दे दिया जाता है एग्जाम, और पूछा जाता है कि यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो उस समय हम भूगोलवेत्ता का नाम रखते हैं फ्रेडरिक रेटजे। या फिर ऐसा होता है कि एग्जाम देता है कि फ्रेडरिक रेटजे के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा को दो नंबर का प्रश्न आता है और मुख्य तक पूछे जाते हैं फ्रेडरिक रेटजे की परिभाषा और इनकी जो शिष्या थी एलन सैंपल की और फ्रेडरिक रेटजे की। तो आज हमने सब परिभाषा अर्थ में जान लिया है और प्रथम मुख्य परिभाषा में से ही बनता है। तो परिभाषा देखते हैं फ्रेडरिक रेटजे के अनुसार। परिभाषाएं इसका सर एक निर्णय से है रेटजे के अनुसार। और थोड़ा सा समझना है, अगर हम इसे रटेंगे तो माइंड से आउट हो जाएगी, तो इसको थोड़ा सा समझ के चलना है। जो परिभाषा दी थी उन्होंने कहा था कि
मानव गुरु। दोबारा से सुने, थोड़ा सा ध्यान से सुने, समझ में आ जाएगा। इन्होंने कहा था कि मानव गुरु मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। दोबारा से सुने, इन्होंने कहा कि जो अभी मैंने पाठ बताया उसमें कहा था कि इसमें मानव समाज, मानव क्रियाकलाप और साथ ही साथ मैंने बोला था भौतिक पर्यावरण, जिसमें आपने पुनरीक्षण लिया था। तो दोबारा देखें कि मानव समाज और धरातल, मैं लिख देता हूँ एक बार, मानव भूल मानव समाज और जो एलन सैंपल है उसने जो मानव भूमि जो
परिभाषा दी, ध्यान दें इससे जो रेड जेल की है वो तो परिभाषा भी रेड जेल से संबंधित है, कुछ मिली जुली, क्योंकि जो गुरु सिखाता है वही शिष्य को समझाता है और उसी को थोड़ा सा विस्तार कर देता है। तो इसी प्रकार से एलन सैंपल ने रेड जेल की परिभाषा को मद्देनजर रखते हुए अपनी परिभाषा दी और उसका थोड़ा सा उसने क्या किया विस्तार कर दिया। और देखें परिभाषा के बारे में देखने के बाद हम मैं इसे साफ कर लेता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो परिभाषा अभी मैंने आपको रेड जेल का विवरण दी, तो अब देखना है एलन सैंपल का विस्तार। एलन सैंपल के अनुसार, एलन सैंपल जैसे मैंने पहले कहा था रेड जेल की परिभाषा थी, इसने कहा था मानव भूत मानव समाज और धरातलों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो इसने क्या कहा कि जो मानव समाज है इसे मानव भूगोल से मानव को हटा दिया। इसने कहा था कि जैसे रेड जेल है तो मानव समाज, तो इसने कहा था कि चंचल मानव, इसने मानव को कहा कि मानव आपने देखे कि कभी कुछ कर बैठता है कभी कुछ कर बैठता है, उसकी प्लानिंग चलती रहती है, तो उसने कहा स्वभाव से मानव कैसा चंचल, तो उसने अपनी परिभाषा को कहा दे दिया यहाँ से चंचल मानव, चंचल मानव। और रेड जेल की परिभाषा थी उसने कहा था कि धरातल, लेकिन एलन सैंपल ने कहा कि जो पृथ्वी है धरातल पृथ्वी एक ही चीज होता है मोस्टली मुख्यतः की होगा, तो उसने कहा था कि चंचल मानव। और आपने देखा कि पृथ्वी पर आए दिन परिवर्तन होते रहते हैं, परिवर्तन होते हैं, कभी देखा कि यहाँ कोई बड़ा पेड़ था आवश्यकता हुई पेड़ को काट दिया गया, पेड़ को काटने के वहाँ से रेलवे लाइन निकाल दी, सड़क बना दी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई। तो आपने देखा है कि उस क्षेत्र का जो स्वरूप होता है वो परिवर्तन होता रहता है, तो इसलिए इसमें कहा था चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी, स्थायी नहीं है अस्थायी है, क्योंकि आपने देखा है कि जनसंख्या की मांग के आधार पर जनसंख्या के संसाधनों के आधार पर या अपनी आवश्यकताओं के आधार पर उसका चेंज करते रहे उसे स्थायी ना करके अस्थायी बना दिया है। तो उसने कहा था कि चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी, चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी, समझने वाली बात है, क्योंकि कहा जाता है एसटी जगह भी बड़ी बेवफा रात को पड़ी और दिन को सफा, अगर हम रटेंगे तो ये बेवफा हो जाएगी और मानसिक और बहरी निकल जाएगी, इसलिए आपको ध्यान देना है कि चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक, वही कहा था उसने कहा था के बीच, इसने कह दिया कि पारस्परिक पारस्परिक परिवर्तनशील पारस्परिक परिवर्तनशील पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, अध्ययन तो इसमें कोई ज़्यादा अलग वाली बात नहीं थी, कुछ डिफरेंट नहीं था, मिलीजुली परिभाषा थी, सीधे सीधे परिभाषा दी थी कि चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का जो अध्ययन है, परिवर्तनशील संबंधों का जो अध्ययन है वह कराया इसने मानव भूगोल का। तो दोनों परिभाषाएं क्लियर हो चुकी हैं और इनमें से मुख्यतः एक परिभाषा आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है जहाँ से आपको दो नंबर प्राप्त होते हैं, कोई टफ नहीं है, इजी है, जिसे समझना है, रटना नहीं है, रटोगे तो मार्क्स आउट हो जाएगी, क्योंकि जो परिभाषाएं पूछी जाती हैं वो एस टी होनी चाहिए, जैसी किताब में लिखी है जैसे भूगोलवेत्ता ने लिखा है
उसी प्रकार की आपको परिभाषाएं देनी होती है। तो मुख्यतः आपके एग्जाम में दो ही आज तक के में मुख्यतः दो ही परिभाषाएं पूछी जाती है, रेड जेट की या एलन सेंटर की। या तो परिभाषा पूछ लेते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं, पूछते हैं कि परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। पुस्तक का नाम पूछ लेते हैं, वो हो गया अपना एंटोप्रो ज्योग्राफी। ये मुख्यतः दो है, बाकी के ब्रास संभव बात से थे उन्होंने भी दी थी और जो अपने पिट्स थे उन्होंने भी दी थी, लेकिन मुख्यतः दो ही परिभाषाएं पढ़ेंगे जो कि इनमें से एक परिभाषा पूछी जाती है। तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसकी मानव भूल की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।